जॉन सीना को लेकर भाई एक बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के सामने आई है और ब्रॉक लेसनर फाइनली ऐड हो चुका है 2K24 गेम के अंदर। कोडी रोड्स और दी रॉक का मैच कंफर्म हो चुका है समरस्लैम 2024 के लिए। और आखिर भाई डेमियन प्रीस्ट अपना मनी इन द बैंक कैश इन कब करेंगे? जय उसो ने बताया कि वो फ्यूचर के अंदर ब्लडलाइन को ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं। क्या कहा है जय उसो ने रोमन रेंस के बारे में? अंडरटेकर का एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इस वीडियो के अंदर भाई बहुत सारी अपडेट्स होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सब कुछ पता चल सके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले भाई लोग हम जॉन सीना के बारे में बात करते हैं। भाई जॉन सीना को लेकर काफी ज्यादा सैड न्यूज निकल के सामने आई है। देखो आपको पता होगा कि रेसलमेनिया 40 काफी ज्यादा करीब है। ऐसे भाई जॉन सीना ने WWE को ये बता के रखा हुआ है कि अभी वो बिल्कुल भी फ्री है। मतलब भाई अभी के टाइम में जॉन सीना को कोई भी शूटिंग वगैरह के लिए नहीं जाना है। ऐसे भाई WWE ने रेसलमेनिया 40 के लिए जॉन सीना को इनवाइट ही नहीं किया। उसके ऊपर अपडेट दे सकते हो जिसमें भाई ऐसा कहना है कि जॉन सीना रेसलमेनिया के लिए तो रेडी है, भाई वेट कर रहे हैं WWE का कि कब WWE उनको बुलाए। ऐसे भाई WWE ने जॉन सीना को इनविटेशन ही नहीं भेजा, जॉन सीना को बुलाना ही नहीं चाहती WWE। अगर देखो भाई WWE के पास रॉक आ गए तो मतलब ऐसा तो WWE को नहीं करना चाहिए कि जॉन सीना को बुलाए ना। आप लोग भाई कमेंट में ये बताओ कि आपको जॉन सीना रेसलमेनिया 40 के अंदर देखने या फिर नहीं। अभी के हिसाब से तो WWE ने जॉन सीना को नहीं बुलाया है। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। मैं आपको भाई एक खुशखबरी देने वाला हूँ हमारे बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में। भाई जो ब्रॉक लेसनर उनका रिटर्न भाई काफी जल्दी होने वाला है। ऐसे भाई WWE चाहती है ब्रॉक लेसनर को 2K24 सीरीज के अंदर ऐड करना। वैसे भाई मैंने 2K24 गेम को आज तक नहीं खेला, अगर आप खेलते हो तो भाई कमेंट करके बताओ। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं कोडी रोड्स और हमारे दी रॉक के बारे में। कोडी रोड्स और दी रॉक का मैच भाई सिंगल कंफर्म हो चुका है समरस्लैम 2024 के लिए। इसी के साथ साथ सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर का भी मैच कंफर्म हो चुका है समरस्लैम 2024 के लिए। भाई बात करते हैं हमारे मिस्टर मनी इन द बैंक यानी कि डेमियन प्रीस्ट के बारे में। देखो भाई जो डेमियन प्रीस्ट है उनके पास मनी इन द बैंक भाई काफी लंबे समय से पड़ा हुआ है। ऐसे में भाई सब लोग यही जानना चाहते हैं कि डेमियन प्रीस्ट कैश इन कब करेंगे। भाई डेमियन प्रीस्ट सबसे लॉन्गेस्ट MITB ब्रीफकेस होल्डर बनने वाले हैं। तो देखो भाई अपडेट का कुछ ऐसा कहना है कि जो डेमियन प्रीस्ट के पास मनी इन द बैंक है वो नेक्स्ट 32 दिनों के अंदर कैश इन नहीं करते तो बन जाएंगे भाई लॉन्गेस्ट ब्रीफकेस होल्ड करने वाले रेसलर। भाई पता नहीं WWE का ऐसा क्या हो गया कि वो मनी इन द बैंक को कैश इन ही नहीं करवा रही है। ऐसे भाई डेमियन प्रीस्ट रेसलमेनिया 40 के अंदर अपना MITB ब्रीफकेस कैश इन कर सकते हैं। ऐसे में अगर उनका कैश इन अनसक्सेसफुल रहता है भाई फैंस तो उनको हेट करेंगे ही करेंगे और उसके साथ साथ उनका मजाक भी अलग से बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे जे उसो के बारे में। अब देखो भाई जे उसो ने क्या कहा है ब्लडलाइन को ज्वाइन करने के बारे में, उन्होंने रोमन रेंस के बारे में भी क्या कहा है। स्क्रीन के ऊपर अपडेट देख सकते हो जिसमें भाई जे उसो कहते हैं कि जो अभी के समय में जो ब्लडलाइन है वो भाई उनके बिना कुछ भी नहीं है। जे उसो कहते हैं कि जब तक मैं ब्लडलाइन के अंदर नहीं हूं वो ब्लडलाइन कंप्लीट नहीं है। ऐसे में क्या जे उसो बताना चाहते हैं कि वो ब्लडलाइन को ज्वाइन करने वाले हैं? जे उसो भाई ज्वाइन कर सकते हैं ब्लडलाइन को, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि भाई WWE के अंदर बहुत बार देखा गया है कोई भी टीम टूटती है बनती है तो ऐसे शायद ब्लडलाइन भी वापस से एक बार जुड़ सकती है और शायद एक बार फिर से ब्लडलाइन कंप्लीट होती हुई दिखाई दे सकती है। आप लोग भाई ब्लडलाइन को एक बार फिर से एक साथ देखना चाहते हो या फिर नहीं कमेंट में बताओ। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, बात करते हैं हमारे डेडमैन अंडरटेकर के बारे में। भाई डेडमैन अंडरटेकर का एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। अंडरटेकर WWE के इकलौते वो रेसलर बन चुके हैं जिन्होंने भाई रेसलमेनिया को 4 बार से भी ज्यादा मेन इवेंट किया है, वो भी डिफरेंट डिकेड्स में। देख सकते हो अंडरटेकर ने 1990s के अंदर भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया था, 2000 के अंदर भी किया था, 2010 के अंदर भी किया था और 2020 के अंदर भी किया था। तो यही कुछ अपडेट्स थे भाई आज के इस वीडियो के लिए। अगर आपने भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी वीडियो को लाइक करो। अगर आप लोग भाई चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल के ऊपर भाई आपको रेसलिंग से रिलेटेड हर कोई अपडेट मिलती है हिंदी में। आपसे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।